आई लव आगरा। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग ममता जी की शादी। तो गाइज, ममता जी के शादी में जाने के लिए हम हो गए हैं तैयार, और अभी समय हो रहा है सुबह के 4:30, और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं ममता जी की शादी में जाने के लिए आगरा। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। तो गाइज, मेरा माइक्रोफोन काम करना बंद कर दिया था, तो अभी बड़ी मुश्किल से उसको सही करा है। तो गाइज, मैं तो घर से निकल गया था टाइम से, लेकिन बस मिली नहीं। बस मिली मेरे को 5:30 के आसपास, और अभी 6:40 हो गया है और मैं नई दिल्ली नहीं पहुंच पाया हूं। अभी देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि 7:10 की जो ट्रेन थी वो मुझे मिलेगी नहीं, तो देखते हैं। अगर 7:10 की नहीं मिलेगी तो फिर 11:15 वाली पकड़ेंगे। ये देखिए गाइस, दिन निकल गया और अभी हम रेलवे स्टेशन नहीं पहुँचे, तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं हम। आई थिंक 11:10 वाली ही ट्रेन हमें पकड़ी जाएगी। तो गाइज, मैं आ गया हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और यहाँ से कोई ट्रेन अभी है नहीं। यहाँ से ट्रेन मिलेगी तकरीबन 11:00 के आसपास ट्रेन मिलेगी। तो अभी टिकट लेने आया था मैं टिकट काउंटर पे, ये देखिए, लेकिन टिकट मिला नहीं। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे, कुछ खाऊंगा पीऊँगा, फिर 11:00 से अपना ट्रेन पकड़ेंगे। तो गाइस, अब मैं आ गया हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर, और अब जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी ट्रेन मिलेगी नहीं। मिलेगी ट्रेन करीबन 11:05 पे, तो 11:05 में मिलेगी ट्रेन। तो अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर ट्रेन पकड़ेंगे, आराम से ही जाएंगे। जब ट्रेन छूट गई तो आराम से ही जाना है। फाइनली गाइस, टाइम पास करने के लिए जलेबी खा रहे हैं हम। तो गाइज, मेरा चश्मा छूट गया है घर पे, तो यहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे काम चला हुआ एक चश्मा देख रहे हैं। देख ऐसे में ही वाइट शर्ट, देखो ऐसे में ये जो ग्लास है ना, ये वाइट होना चाहिए। तो फाइनली गाइज, ये वाला चश्मा लिया मैंने। तो गाइज, फाइनली घूम घूम के थक गए, और अब हम यहाँ बैठ गए हैं थोड़ी देर और खा रहे हैं चना। ये देखिए, सुबह सुबह चना खा लेते हैं, और चना खाने के बाद उसके बाद जाएंगे रेलवे स्टेशन में, और वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन। अभी मैं टिकट काउंटर पर भी गया था, तो टिकट मिल नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला जब 11:00 की ट्रेन है तो अभी टिकट नहीं मिलेगी। इतना लंबा सफ़र है नहीं जो ज़्यादा टाइम पहले दे दूँ मैं। तो हम भी सोचे चलो घूम ही लेते हैं। तो घूम के एक तो ये चश्मा लिया, एक बेल्ट खरीदा, और कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, और अब आ गए हम ये चना खाने के लिए। कैसा टेस्ट है मैडम? अबे नीचे फेंक, देख के फेंको, मेरे ऊपर फेंके है तुम। मैंने उसको बोला था ना, तो कहते निकाल रहा है बीज, देखा इसमें डाल दिया। चलो फिर खा के उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइज, बहुत देर हो गया यहाँ बैठे बैठे टाइम पास करते करते, हमने बहुत टाइम पास कर लिया, और अभी 10:30 होने वाले हैं। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन है 11:15 की। तो थोड़ी देर पहले पहुँच जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, मतलब प्लेटफॉर्म पे। तो आज के दिन की शादी है, तो वहाँ टाइम पे पहुँचना भी है, देखते हैं टाइम पर पहुँच पाते हैं या ज़्यादा लेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो टाइम पर पहुँच जाना चाहिए, बाकी देखते हैं आगे ट्रेन के ऊपर है, ट्रेन की मर्ज़ी भाई। अगर ट्रेन राइट टाइम हुई तो 5:00 तक हम पहुँच जाएंगे, अगर लेट होगी तो वही है कि सुबह से तो लेट हो ही रहा है हमारा, 7:00 की ट्रेन छूट गई,
चार घंटा इधर लेट हो गए। बाकी आगे देखते हैं कि आगे और सही टाइम पहुंचते हैं या ज़्यादा ही लेट हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, देखते हैं आगे क्या होता है हमारे साथ। पलवल से आकर नई दिल्ली पहुंचने वाली 049/65 पलवल नई दिल्ली स्पेशल प्लेटफॉर्म पर 7 पर आ रही है। 7 पे आ रही है पलवल से आकर नई दिल्ली पहुंचने वाली। पलवल से आ रही है आगरा से। वो सब छोड़ो, ट्रेन छूटने के बाद पापड़ खाने में कितना मजा आ रहा है। आ रहा है ना, ऐसे ही ट्रेन छुड़वाया करो और पापड़ खाया करो, है ना। ट्रेन आ गई हमारी। और भाई तो गाइस हमारी ट्रेन आ गई, ये देखिए हमारे पीछे ट्रेन। और अब हम इस पे बैठने वाले हैं। तो गाइस मैं बैठ गया हूँ ट्रेन में फाइनली। देख लीजिए कितना भीड़ है इसमें, बैठने की जगह नहीं है और मैं ऊपर वाले पे बैठा हूँ और बहुत भीड़ है। ये देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, मेरी मिसेज वहाँ बैठी है। अरे सर आप पल्ली तरफ देखिए, बहुत भीड़ है और हल्ला भी ऐसे ही हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, कम से कम बैठने की सीट मिल गया ऊपर सही, लेकिन बैठ गए। और ये हमारे भैया मिल गए, एक जहाँ से जाना है इनको। तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, सारे भैया लोग सब बढ़िया है और बात बात करते निकल रहे हैं हम भी। और सीट मिल गई, बस इस बात की खुशी है। वैसे 3-4 घंटे का रास्ता है लेकिन फिर भी सीट मिल जाए तो अच्छी बात होती है। सीट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। वो तो हमने खिड़की की तरफ से सामान फेंक के सीट घेर के जब बैठे इस पे, हम भीड़ इतनी है यहाँ पे। तो देखते हैं और कितने बजे तक हम पहुँच पाते हैं आगरा। आगरा पहुँचने के बाद मिलते हैं हम आपसे। ये देखिए मैडम आराम से बैठ गई और एयरफोन लगा लिया, अब आराम से बैठे गाने सुनते जाएंगी। बात बात करने के लिए तो कोई है नहीं उनके पास। मैं ऊपर आ गया, नीचे जगह ही नहीं मिली, नीचे पूरा फुल है सब। गाइस जैसा कि मैंने आपसे बताया, देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। अगर टाइम से ट्रेन पहुंचा दिए तो अच्छी बात है ट्रेन के लिए। बाकी हमारे भैया भी हैं बगल में, ये पठान मूवी डाउनलोड करके लाए हैं तो इनसे मैं भी शेयर करके लूँगा, देखूँगा कैसा है पठान मूवी। तो गाइस फाइनली हम आ गए आगरा कैंट पे और हमारी ट्रेन है लगभग आधे घंटे लेट और 2:30 बजे पहुँचे हम यहाँ पे आगरा कैंट पे। तो अब चलते हैं हम यहाँ से आगे, देखते हैं मेरा जोल में कितने बजे तक पहुँच पाते हैं हम। तो गाइस फाइनली हम आ गए आगरा। ये देखिए ये आगरा स्टेशन के बाहर का दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमारे बैकग्राउंड में देखिए, आई लव आगरा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी अभी देखते हैं, यहाँ से हमें जाना है रामबाग, तो यहाँ से ऑटो करेंगे और रामबाग जाएंगे, वहाँ पे जेम वाटिका में ममता जी का शादी अटेंड करने के लिए। तो गाइस फाइनली हम यहाँ आगरा रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा में बैठ गए हैं, यानी ऑटो में, और अब हम जा रहे हैं रामबाग। और यहाँ पे थोड़ा ऑटो वाले से बहस ही होगी, कोई 150 कह रहा है, कोई 200 कह रहा है। फाइनली 80 रुपये में हमने ये गाड़ी बुक करी और बुक करके लेकर के जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे, देखिए यही है हमारी ऑटो। तो मिलते हैं सीधा रामबाग में मेरा घर पे। तो गाइस लगभग मैं यहाँ पे टाइम पे पहुँच गया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी सेविंग कराने के लिए, क्योंकि दाढ़ी बढ़ी सी गई है तो थोड़ा सेविंग करा लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं मेरे झोल पे। तो आइए पहले सेविंग करा लेते हैं। तो गाइस अब सेविंग भी करा ली, तो सेविंग भी करा के रेडी हो लिया और अब चलते हैं मेरे झोल में और देखते हैं क्या है व्यवस्था वहाँ पे और कैसे क्या हो रहा है। तो मिलते हैं सीधे अब मेरे झोल में।